अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है गज़नफ़र इकबाल और आप देख रहे हैं गज़नफ़र मुल्तानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने घरों में खरगोश रखे होंगे या बहुत से दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों को आपने देखा होगा जिन्होंने घर में पालतू खरगोश रखे हुए होते हैं। खरगोश को इनके गोश्त और खाल के लिए रखा जाता है। जब से वो हज़ारों साल पहले दरियाफ्त हुए थे, वक्त के साथ साथ इन्हें पालतू जानवर के तौर पर रखा जाने लगा और शोज़ में मुतारफ़ करा दिया गया। वो बिल्लियों और कुत्तों के साथ साथ मकबूल पालतू जानवर बन गए। मुख्तलिफ रंगों के इम्तजाज और मुख्तलिफ मिजाज के साथ खरगोश की बहुत सी नस्लें हैं। आप अनब्रीडेड पालतू जानवरों की दुकान या जानवरों की पनाहगाह से खरगोश को गोद ले सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। अगर आप इन तेज़ पालतू जानवरों को अपने ख़ानदान में शामिल करना चाहते हैं तो आपको इनके इब्तदाई अखराजात के बारे में जानना चाहिए। खरगोश की कीमतें इंतहाई सस्ती से लेकर बहुत ज़्यादा महंगी तक होती हैं, जो कि इनकी नस्ल, इनकी खूबसूरती और इनके वज़न पर मुनहसर होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही दुनिया की 10 महंगी तरीन ब्रीड रैबिट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सिल्वर फॉक्स रैबिट्स। इनकी कीमत $65 से लेकर $100 के दरमियान तक हो सकती है। आप सिल्वर फॉक्स खरगोश के लिए कितनी रकम अदा करते हैं, इसका इनसार इस बात पर है कि खरगोश हिरन है या डॉग, कोट का रंग और खरगोश की नस्ल। सिल्वर फॉक्स खरगोश खरगोश की एक बड़ी नस्ल है जिसका वज़न 5 पाउंड से तकरीबन 8 पाउंड के दरमियान होता है। एक कोट के साथ जो इसके नाम से मिलता जुलता है, चांदी की लोमड़ी। इनकी औसत उम्र 5 साल से 7 साल तक होती है। अमेरिकन रिबेट ब्रीडर्स एसोसिएशन ने 1925 में नर्म सिल्वर फॉक्स खरगोश को तस्लीम किया था। नंबर 2, लाइन हेड रैबिट। आप लाइन हेड रैबिट के लिए कितनी रकम अदा करते हैं, इसका अनुसार इस बात पर है कि खरगोश के पास चिंगियाल है या डबल। लाइन हेड रैबिट एक शेर सर खरगोश जिसकी दोहरी आयाल होती है। ये बहुत नायाब है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। एक मेरी लाइन हेड रैबिट की आयाल पतली होती है, दूसरी तरफ दोहरी आयाल के साथ शेर के सर के खरगोश की एक मोटी आयाल होती है जो अपने अतराफ को ढांप लेती है और अपने सर को घेरती है। आम तौर पर आप लाइन हेड खरगोश के लिए $75 से $150 के दरमियान अदा कर सकते हैं। यह खरगोश सबसे ज़्यादा दोस्ताना और सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले खरगोशों में से एक है। वो ऐसे माहौल में रहने को तरजीह देते हैं जहाँ ज़्यादा शोर वगैरह ना हो। नंबर 3, नेदरलैंड पोनर रैबिट। खरगोश की एक छोटी सी नस्ल है जो पॉलिश खरगोश के साथ जंगली खरगोशों की अफजाइश के ज़रिए बनाई गई थी। नेदरलैंड बोना खरगोश, ये खरगोश अपने बच्चे के चेहरे की वजह से ज़िंदगी भर एक बच्चे की तरह नज़र आता है। ताहम नेदरलैंड के बोने का सर अपने जिस्म के लिए गैर मुतनासिब तौर पर बड़ा होता है। एक शायस्ता और मीठी शख्सियत के साथ नेदरलैंड का बोना खरगोश खरगोश के मालिकान और नुमाइशों में पसंदीदा है। औसतन आप एक पालतू नेदरलैंड बोने खरगोश के लिए $30 से $100 के करीब एक अच्छी नस्ल वाले नेदरलैंड बोने के लिए एक कायम ब्लड लाइन से $200 तक की अदायगी के साथ खरीद सकते हैं। नंबर 4, मिनी रैक्स रैबिट्स। मिनी रैक्स रैबिट्स की एक और महंगी नस्ल है। एक आला नस्ली मिनी रैक्स के लिए आपको तकरीबन 250 या इससे ज़्यादा अमेरिकी $ अदा करना होंगे। एक पालतू मिनी रैक्स की कीमत $50 से लेकर $100 के दरमियान होती है। मिनी रैक्स खरगोश, ये खरगोश दोस्ताना और शायस्ता हैं। मिनी रैक्स की सबसे मशहूर खसूसियत इसकी आलीशान मखमली खाल है। इसके अलावा ये छोटे 4.5 पाउंड खरगोश बहुत प्यारे हैं। मिनी रैक्स खरगोश एक नई नस्ल है जो कि 1945 में टेक्सास में बनाई गई थी। नंबर 5, मिनी लूप रैबिट्स। मिनी लूप खरगोशों की कीमत $150 से लेकर $250 के दरमियान है, लिहाजा वो काफ़ी महंगे हैं क्योंकि ये खरगोश बोने साइज़ के होते हैं। खरगोश के कुछ मालिकान ऐसे हैं
जिन्होंने एक मिनी लूप खरगोश के लिए तकरीबन 400 अमेरिकी डॉलर तक अदा किए हैं। छोटे लटकते कान इनके जबड़ों के नीचे लटकते हैं, जो इनके छोटे खरगोशों को बिल्कुल प्यारे बनाते हैं। इनकी मुतवक्के उम्र 7 साल से 14 साल तक होती है। अगर आप इनकी अच्छी तरह देखभाल करें तो इनकी उम्र इससे ज़्यादा हो सकती है। मिनी लूप खरगोश, जिसे लिटिल हैंगिंग ईयर खरगोश भी कहा जाता है। मिनी लूप खरगोश नस्ल का ट्रेडमार्क कान है, जो हॉलैंड लूप से मिलते जुलते हैं। मिनी लूप के कान भी इनके जबड़ों के नीचे लटकते हैं। असल में जर्मनी में पाला गया मिनी लूप खेलना पसंद करता है, और एक दोस्ताना और प्यार करने वाली फितरत के साथ ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि खानदान मिनी लूप खरगोश को पसंद करते हैं। एक मिनी लूप के लिए 150 अमेरिकी डॉलर से 250 अमेरिकी डॉलर की हद में अदायगी की तवक्को कर सकते हैं। कुछ मालिकान ऐसे हैं जिन्होंने एक मिनी लूप खरगोश हासिल करने के लिए तकरीबन 400 अमेरिकी डॉलर तक अदा किए हैं। नंबर 6, इंग्लिश अंगोरा रैबिट्स। दोस्तों, इंग्लिश अंगोरा रैबिट्स एक छोटा खरगोश है जिसका कम्पैक्ट जिस्म होता है। अंगोरा खरगोशों की दूसरी इकसाम के बरअक्स अंग्रेज़ अंगोरा के चेहरों पर ऊनी पाँव और खाल होती है, इसलिए वह फ्लफ के गोल गेंदों की तरह नज़र आते हैं। अंग्रेजी अंगोरा का कोट मुसलसल बढ़ता है। खरगोश दिन के वक्त अक्सर खुद को तैयार करते हैं, लिहाजा अंग्रेज़ अंगोरा के लिए बहुत सी खाल निगलना आसान है, जो इनके हाजमा को रोक सकता है। इसलिए डॉक्टरों की तजवीज़ के मुताबिक कि हर 3 माह बाद इनकी ऊन की कटाई करें या इन्हें खुद घर पर अपने हाथों से साफ करें। आपका अंग्रेजी अंगोरा पोडल के खरगोश वर्जन की तरह नज़र आता है। अंग्रेज़ अंगोरा खरगोश के लिए खरगोश के मालिक ने जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत अदा की है वो 300 अमेरिकी डॉलर्स के करीब है, लेकिन औसतन अंग्रेजी अंगोरा खरगोश की कीमत 100 डॉलर से 225 अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। नंबर 7, कॉन्टीनेंटल रैबिट्स। एक कॉन्टीनेंटल रैबिट, जैसा कि वो प्यार से जाना जाता है, या कॉन्टीनेंटल जॉइंट खरगोश की कीमत 300 अमेरिकी डॉलर से लेकर 700 अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है, और इसके साथ साथ कॉन्टीनेंटल को अपने घर पहुंचाने के लिए 350 अमेरिकी डॉलर आपको अलग से अदा करने होंगे। लिहाजा आपका कॉन्टीनेंटल जॉइंट खरगोश आपके लिए 650 से लेकर तकरीबन 1000 अमेरिकी डॉलर तक हो जाता है। इन बड़े खरगोशों का वज़न कम से कम 12 पाउंड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 पाउंड या इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इनकी उम्र की अगर बात की जाए तो इनकी उम्र निस्बतन कम होती है, जो कि 4 साल से 5 साल तक। लेकिन कॉन्टीनेंटल खरगोश होशियार और नरम मिजाज के होते हैं। ये कॉन्टीनेंटल खरगोश फ्लेमिश जॉइंट खरगोश की औलाद 19वीं सदी की इब्तदा में पैदा होगी। कॉन्टीनेंटल खरगोश खरगोश की एक बहुत मिलनसार नस्ल है और खुशी खुशी आपके घर का इश्तराक कर सकती है, और औसतन इनका वजन 25 पाउंड और लंबाई 3 फीट के करीब होती है। एक कॉन्टीनेंटल की कीमत 300 अमेरिकी डॉलर से 500 अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है, लेकिन कुछ खरगोश मालिकान ने कम से कम 90 अमेरिकी डॉलर अदा करने की इतला देते हैं। नंबर 8, बेल्जियम रैबिट्स। दोस्तों, बेल्जियम का खरगोश काफ़ी महंगा खरगोश है। आप आसानी से 150 अमेरिकी डॉलर से लेकर 500 अमेरिकी डॉलर्स के दरमियान अदायगी करके इसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेल्जियम हेयर को किसी मारूफ ब्रीडर से ख़रीदते हैं तो अपना बटवा मजीद खोलने के लिए तैयार रहें। खुश हो जाएं कि आप 20वीं सदी के अवाइल में से नहीं हैं। 1900 में बेल्जियम के एक हिरन से आसानी से 5000 डॉलर मिल गए थे। ये एक नर खरगोश के लिए था। अगर आप अफरात ज़र को मद्देनज़र रखते हैं तो आज की कीमत का तसव्वुर करें, ये तकरीबन 33,500 अमरीकी डॉलर बनती है। वाओ, फैंसी बेल्जियम हेयर खरगोश होशियार और पुरकशिश होते हैं, और बाज़ात इनसे बदतमीज़ी भी हो सकती है। खरगोश की इस बड़ी नस्ल का वज़न 6 पाउंड से 9 पाउंड तक है, और इसकी औसत उम्र 7 साल से लेकर तकरीबन 10 साल तक होती है। अपने बेल्जियम खरगोश को आप घर के अंदर ही रखें। होशियार रहें कि ये बड़ा खरगोश अपार्टमेंट में रहने के लिए मौजूद नहीं है। नंबर 9, हार्लिक्विन रैबिट। ये एक पालतू जानवर या आम हार्लिक्विन खरगोश के लिए आपको 50 अमेरिकी डॉलर से लेकर 200 अमेरिकी डॉलर तक अदा करने होंगे, लेकिन एक इंतहाई नस्ली और मुकाबला या नुमाइश के लायक हार्लिक्विन खरगोश के लिए आपको बहुत ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ सकती है, जो कि 900 अमेरिकी डॉलर से लेकर 1000 अमेरिकी डॉलर तक है। खरगोश की इस दरमियानी नस्ल का वज़न 10 पाउंड तक होता है, और इनकी उम्र
औसतन 5 साल से तकरीबन 10 साल तक होती है। नरम और मुतजस्सिस फितरत के साथ हार्लिक्विन खरगोश खरगोश के शौकीनों और मालकान में बहुत मकबूल हैं। नंबर 10, हॉलैंड पॉप खरगोश। खरगोश के मालिक ने एक बार हॉलैंड पॉप खरगोश के लिए 910 अमेरिकी डॉलर्स अदा किए, लेकिन खुशकिस्मती से आपको आज की डेट में हॉलैंड पॉप के लिए इतनी रकम निकालने की या अदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुमकिन तौर पर हॉलैंड पॉप खरगोश के लिए 50 अमेरिकी डॉलर से लेकर तकरीबन 200 अमेरिकी डॉलर्स की अदायगी कर सकते हैं। ये कीमत इस बात पर मुनहसर है कि आप कहाँ से हॉलैंड पॉप अपना खरगोश खरीदते हैं, खरगोश की नस्ल और बन कितना काबिल नुमाइश है। सबसे छोटे खरगोशों में से एक के तौर पर हॉलैंड पॉप को जाना जाता है और अपने कानों के साथ ये सबसे प्यारे हॉलैंड पॉप खरगोश का वज़न तकरीबन 2 पाउंड से लेकर 4 पाउंड के दरमियान तक होता है। अगर आप इनकी अच्छी तरह देखभाल करते हैं तो वो 7 साल से लेकर तकरीबन 10 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। हॉलैंड पॉप खरगोश एक बहुत ही शाइस्ता और दोस्ताना शख्सियत के मालिक होते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।